Areas रिलेटेड टू सर आप अपनी पुरानी क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई सारी शेप का पैरामीटर और एरिया निकालना मैं revision देता हूं, का मतलब होता आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ वही क्या होता है पैरामीटर और एरिया क्या है उसके अंदर कितना एरिया है वो जो भी हम निकालते हैं तो आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा था स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा था सर्कल का भी एरिया निकालना सीखा था पाईआर स्क्वायर और पैरामीटर टू पाईआर सीखा था ना ये हमने पढ़ चुके हैं ना तो फिर हमें हम इस इसमें क्या पढ़ना है मैंने कहा इस चैप्टर में देखो सर्कल जो है ना ये भले ही तुम रेक्टेंगल को तो को तो तो छोड़ छोड़ दो स्क्वायर दो लेकिन ये जो सर्कल है ना इस शेप का इतना बड़ा यूज है प्रैक्टिकल कैसे अगर टायर की बात करें टायर तो टायर किस शेप में होता है सर्कुलर शेप में व्हील सर्कुलर शेप में केक सर्कुलर शेप में यानी हमारे आस पास पंखा सर्कुलर शेप में घूमता है यानी हमारे पास पहिया होता है वाइपर वाइपर गाड़ी का वाईपर भी ऐसे घूमता है सर्कुलर शेप में है ना तो भैया यानी सर्कल की एक वाइड एप्लीकेशन है तो क्यों ना सर्कल से हम तरह तरह के फॉर्मूले बनाए और सर्कल के तरह तरह के टॉपिक के एरिया निकालना सीखे सर्कल के अंदर ही एरिया निकालना सीखे उसकी कॉम्पोनेंट के यानी सर्कल के अंदर ही हमें डीप पढ़ना है कि सर्कल से टॉपिक का नाम क्या है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल यानी सर्कल से रिगार्डिंग एरिया कि कोई चीज सर्कुलर शेप में है तो क्या क्या एरिया निकल सकता है कैसे कैसे निकाल सकता है भैया totally गाड़ी का वाइपर है वो गाड़ी का वाइपर क्या है वो ऐसे घूमता है जैसे घूमता है है ना वो वन ट्वेंटी डिग्री एंगल पे घूम रहा है तो बताइए उसने कितना एरिया साफ कर दिया शीशे का आप कहोगे ये कैसे फाइंड करें भैया इतना तो स्क्वायर तो है ना रेक्टेंगल है है ना सर्कल मैं ध्यान से देखो ना अगर इसको हम पूरा घुमाने घुमाना चालू कर तो तो घुमा कितना केवल घूमा के तो उसका एरिया कैसे फाइंड करें यही सारी चीजें मुझे सीखनी है एक पहिया है वो कितना एक चक्कर है वो एक घंटे में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है या कितना सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं तो मन लगा के पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन बहुत सारे एक्स्ट्रा मिलेंगे हम इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत सारे करने वाले हैं देखता हूं कुछ कटा है या नहीं एक बार देख लेंगे मतलब जैसे आपने देखा अच्छा चलो 120 कटा है ना बस और कुछ नहीं ना अब जैसे एक एग्जांपल और मान लो मेरे पास एक टेबल है बेटा क्या है मेरे पास एक टेबल है उसमें बन रहा है समझने की कोशिश करना ये क्या बन रहा है एक मैंने कहा इस डिजाइन का इधर निकालो हम कंफ्यूज कैसे निकालें बड़ा कंफ्यूज तो ये भी सर्कल की मदद से होगा एक टॉपिक और समझो मैंने बोला भैया एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है वो देखा है जो निशानेबाजी होती है निशानेबाजी ऐसी होता है यहाँ पे क्या होता है रेड कलर ब्लैक कलर कुछ भी कलर मैंने कहा केवल इस रेड कलर का कलर निकालो केवल इसका केवल इसका एरिया निकालो ये मैंने शेड कराया ना केवल इसका एरिया निकालो केवल इसका कि रेड कलर वाला पोर्शन कितना है है तो सर्कल के अंदर ही ना कैसे निकाले कैसे निकाले है ना तो यही कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने हैं तरह तरह के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जैसे केक हो गया व्हील बैर हो गया जो बुला जो हमारी कार्ट होता है उसमें जो भी लगता है तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे हम लोग पैरामीटर हम ही इससे करेंगे बेसिक से बिल्कुल और आज पहली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं सुनेंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल ठीक है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल सुनेंगे ठीक है देखेंगे देखो सबसे पहला बेटा क्या करना है आपको पहला पेज खाली छोड़ना उस पर फॉर्मूले के, के लिए और जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वहां लिखते चलना ताकि सारे फॉर्मूले हमारे एक जगह इकट्ठे हो जाए ठीक है जैसे जैसे आगे जो भी फॉर्मूले आएंगे वो वह वही लिखते चलना तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है पैरामीटर ऑफ सर्कल देखो ये पैरामीटर का मतलब होता है सरकम बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं सरकम क्या मतलब है इसका मीनिंग समझेंगे बेटा आसान चैप्टर है लेकिन बहुत दिमाग खाऊ चैप्टर है ध्यान से पढ़ेंगे ऑफ सर्कल और अब से करके लाएंगे आप पांच देखो इसका फॉर्मूला होता है टू पाई आर बेटा व्हाट इज आर रेडियस पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन टू जो भी गिवन होता क्या है मान लीजिए ये है एक सर्कुलर ट्रैक ठीक है ये इसकी रेडियस है आर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं ए पॉइंट पे मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं जैसे जैसे ये बाउंड्री सर्कुलर चल के वापस आ गया तो एक चक्कर में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा गोल गोल वही मेरा क्या हो कहलाता है सरकम क्या कहलाता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टू अब ये आया कहा से तो एक छोटी सी बात याद रखना देखो आया कैसे बेटा आपको पता है जो आज हम पाई की वैल्यू पढ़ते हैं वो कैसे निकली क्या हुआ देखो हमने क्या करा से पता चला कि इसका सरकमफ्रेंस कुछ है भैया इसका सरकमफ्रेंस कितना मान लिया मैंने C1 कितना मान लिया ठीक है कितना मान लिया मैंने इसका सरकमफ्रेंस C1 वन कोई दिक्कत यहां तक ठीक है और इसका डायमीटर कितना मान लिया मैंने

अब दूसरे वाले सर्कल का सरकम लिया और उसके डायमीटर को डिवाइड करा तो मैं देखता हूं जो वैल्यू पहले वाले में आई वही वैल्यू दूसरे वाले में आई constant. मैंने तीसरे सर्कल का लिया और उसके उसके डायमीटर से डिवाइड करा d3 फिर हमने एक बहुत बड़ा सर्कल लिया उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करा तो भी सेम वैल्यू आई यानी एक बात सामने आती है कि अगर हम किसी भी सर्कल के चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो उसके सर्कमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और वही कांस्टेंट वैल्यू आज जानी जाती है पाई के नाम से तो पाई क्या है किसी भी सर्कल सर्कल आपने देखा होगा हर में पाई या क्यों क्योंकि जब भी किसी सर्कल के सर्कम्फ्रेंस को आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी चाहे सर्कल बड़ा हो या सर्कल छोटा हो उसके डायमीटर से डिवाइड करने पे हर बार सेम वैल्यू आएगी

ठीक है तो सरकम अब सुनना जरा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पाई किसके बराबर होता है सरकम अपॉन डायमीटर अरे अब सुनना अभी सरकम का फॉर्मुला निकाल रहा हूं ना पाई को ऐसे रहने दो सरकम तो मुझे निकालना है क्योंकि अब तक पहले मुझे फॉर्मूला पता थोड़ी था और डायमीटर क्या होता है टू आर, रेडियस का डबल रेडियस का डबल होता है डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल तो यहां से सरकम का फॉर्मूला कितना आ गया और यही तो हम पढ़ते हैं आज टू पाई आर ये तो मैं लिखा है ऐसे आया तो किसकी मदद से आया ये पाई की मदद से मैं रिपीट कर रहा हूँ पहला फॉर्म नहीं पता होगा आज से पहले किसी को पाई कैसे आया नहीं पता होगा छोटी सी बात है एट क्लास में भी है पढ़ाया नहीं जाता हमें क्या होती है पाई आयुषी किसी भी सर्कल के जब हम उसी के सर्कम्फ्रेंस को उसी के डायामीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या कहलाई गई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पाई एक सर्कल के नहीं किसी भी सर्कल के चाहे छोटा सर्कल ले लो या जब उसके सर्कम्फ्रेंस को उसी के डायामीटर से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू चाय की कॉन्स्टेंट और यही क्या कहलाई जाती है आपकी पाई ठीक है तो यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने सरकमफ्रेंस बता दिया कैसे जिसका सर्कल का सरकमफ्रेंस लिया उसी का डायमीटर के साथ रेशियो और ये हर सर्कल में क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है सेम तो, तो हर सर्कल में पाई की वैल्यू सेम रखते हैं ठीक है तो ये देखो कितनी अच्छी बात है क्लियर है यहां तक समझ में आया चलिए इसको उतार लिया ठीक है जिसने उतारा नहीं है उसको नोट डाउन करिए और आगे चलते हैं एरिया पे और ठीक है और उसी के बाद अगला पैरामीटर तो सुन लिया मैंने सरकम तो पढ़ लिया एरिया का भी प्रूफ है लेकिन अभी नहीं पढ़ते हैं बाद में पढ़ेंगे इतना नीड नहीं है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो अभी तक आपके पास दो फॉर्मूले आए हैं पहला सरकम ऑफ द सर्कल और दूसरा

कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर देखो कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले लिखो गिवन वैल्यू ठीक है शुभ है ना क्या गिवन है कि भैया जो कॉस्ट है फेंसिंग की वो कितने रुपए है गिवन में कॉस्ट कितने रुपए है ट्वेंटी फोर रुपीज पर मीटर फेंसिंग मतलब जो जाल लगाते हैं जैसे आपने देखा होगा रेलवे पार्क के बाहर चारों तरफ जाल सा बिछा देता गोल 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 ताकि चोर ना आ पाए बंदर ना आ पाए तो वो फेंसिंग करने के इन्होंने क्या रुपए लिए हैं कि एक मीटर के जी हम चौबीस रुपए लेंगे और जो टोटल कॉस्ट लगी है जी आपकी वो लगेगी कितनी टोटल कॉस्ट कितनी लगी भैया पांच हजार दो सो अस्सी रुपए फाइव टू एट जीरो रुपीज ठीक है और क्या कहा है क्या गिवन है टोटल कॉस्ट दे दी हमें किसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किसकी दी है ये हमें यानी वो जो जाल बिछाने के चारों तरफ बाउंड्री पे वो पांच हजार दो सौ अस्सी रुपए है और क्या गिवन है जो प्लफ का रेट है वो है नहीं प्लफ का मतलब होता है अंदर जो खेत होता है उसमें जो ट्रैक्टर से चारों तरफ घुमाते हैं या बैलगाड़ी की मदद से प्लफिंग करना ठीक है हाँ प्लो ठीक है वो दे रखा जीरो पॉइंट फाइव जीरो रेट क्या दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वायर है भैया सर्कुलर फील्ड है ना फील्ड है ना ध्यान से देख तो वो फील्ड है फील्ड तो कुछ भी हो सकता है तो बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड यू हैव टू फाइंड टू फाइंड क्या करना है टोटल कितनी कॉस्ट लगी अब समझना मेरी बात देखो क्वेश्चन कितना शानदार है पहले करेंगे फिर प्लफ पहले समझेंगे देखो मैं हिंट दूंगा देखो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे भैया हमें क्या बोला बेटा सुनो मेरी बात अगर मुझे टोटल तो कॉस्ट तो आ जाएगी है ना तो भैया अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर तो मुझे आर पता होनी चाहिए अगर मुझे आर पता चल जाए तो आर मेरा काम खत्म हो जाएगा है ना वंशिका अब आर के लिए क्या करें जो मुझे गिवन वैल्यू उसको देखो देखो कैसे एक मीटर के कितने रुपए थे टोटल कॉस्ट कितनी लगी तो जरा बताना इसका सरकम किसके बराबर होगा भैया फाइव टू एट जीरो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर कैसे जब एक मीटर के चौबीस रुपए हैं। मैंने कहा ऐसे समझो भैया एक चॉकलेट दस रुपए की है और टोटल जैसे दुकानदार ने सौ रुपए लिए बताइए जरा कितनी चॉकलेट लेकर आया तू तो ऐसे ही मैंने बोला जब टोटल कीमत तेरे से दुकानदार ने पांच हजार दो सौ अस्सी लिए और एक मीटर के चौबीस रुपए थे तो बताइए जरा कितने मीटर में लगाया तुमने क्या लिखेंगे इतना ऐसे लिख लो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग यानी टोटल कितनी लेंथ करी है उसने फेंसिंग 5280 डिवाइड बाय जरा बताना कितना आ रहा है पांच हजार लेंथ ऑफ है टू यानी 220 मीटर था जिस पे उसने क्या करा है जाल बिछाया है और जहां-जहां जाल बिछाएगा देखो फेंसिंग यहां से ये 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 चारों तरफ बिछाएगा और ये जितना भी इसकी लेंथ होगी वही इसका क्या होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं सो so, सरकमफेरेंस कितना हो गया इसका अब का फॉर्मूला टू पाई की वैल्यू दे रखी है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर बराबर टू ट्वेंटी देखो अब कैसे करेंगे 20 20 यहाँ आ गया हंड्रेड ठीक है जी अब देखना टू से फिफ्टी कट गया तो आर कितना आ गया फाइव इंटू सेवन थ्री फाइव जीरो ठीक है यही आ रहा है आर कितना आ गया नहीं थोड़ा गलत कर रहा है दस आएगा ना केवल दस है ना तो फाइव तो कितना आ गया थर्टी फाइव मीटर आर कितना आ गया नाउ रेडियस आ गई थर्टी फाइव जरा आगे का रिमेनिंग क्वेश्चन खुद कर डालो बच्चों कैसे जब रेडियस थर्टी फाइव आ गई तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्ल क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट जो मुझे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्लफिंग प्लो ठीक है कॉस्ट ऑफ प्लो क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट फाइव जीरो इंटू क्या पाई इंटू थर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव नहीं समझे टोटल ए स्टेप बचाओ ना क्या दिक्कत है टोटल कॉस्ट कितना होगा जो भी टोटल एरिया आया है उसकी जीरो पॉइंट फाइव जीरो के साथ मल्टीप्लाई और एरिया कितना आया पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया अब एक मीटर के जीरो तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय जीरो जरा बताओ करके कितना आ रहा है सभी बच्चे वंशिका अवनी करो सभी बच्चे 1925 आगे चलो अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज अब हम एक्सरसाइज का ठीक है समझेंगे बात को समझ में आगे भूमि देखिए पहला देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा जैसा वो कह रहा है मैं ही करूंगा ट्वेल्व पॉइंट वन की बात कर रहे हैं एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट रेडिया, रेडिया ही जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है रेडियस सिंगुलर जब एक से ज्यादा रेडियस की बात हो रही होती तो रेडिया ही है तो रेडियाई बोलते हैं द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर नाइनटीन सेंटीमीटर एंड नाइन सेंटीमीटर तो पहले क्या लिख लो गिवन में आर वन नाइनटीन आर टू भैया दो है ना तो एक को तो मैंने आर वन मान लिया और एक को आर टू क्या लिख दो लेट द रेडियस बी लिख देना ऐसा लेट द लेट रेडिया रेडियाई तो आर वन की वैल्यू हो गई नाइनटीन अब क्या बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको क्या फाइंड करना है सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो इन दोनों के सरकम के सम के इक्वल वाला मतलब ऐसे समझो अकॉर्डिंग नाउ लिखिए नाउ टू फाइंड क्या करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द ऐसे समझो क्या किया बोने सर्कम फ्रेंड्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कम फ्रेंड्स ऑफ न्यू सर्कल किसके बराबर होगा सर्कम फ्रेंड्स ऑफ़ ऑफ़ फर्स्ट सर्कल प्लस यही तो बोला उन्होंने कि जब इन दोनों सर्कल के सर्कम की मदद से जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस फाइंड करनी है यानी जो नया सर्कल बनेगा उसका सर्कम पुराने दोनों सर्कल के सर्कम के सम के बराबर है तो इसी की रेडियस आपको फाइंड करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं टू पाई आर इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली कैपिटल आर क्या मान ली इसकी टू पाई आर वन, क्योंकि पहले की रेडियस r1 है प्लस टू पाई आर भैया यही तो बोला है देख है ना शुभ सर्कम ऑफ न्यू सर्कल की जो नया सर्कल बनेगा वो उन दोनों के सर्कम के इक्वल है तो बताइए उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी क्वेश्चन पढ़ो द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर नाइनटीन एंड नाइन

तो आर कितना आ जाएगा न्यू रेडियस नाइनटीन प्लस नाइन तो यही नए सर्कल की क्या होगी पहला क्वेश्चन खत्म और जिसको नहीं आया वो मेरे से पूछिए और आगे चलते हैं ठीक है जी उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है सेम क्वेश्चन है बस क्या कह रहा है इस बार उन दोनों पुराने सर्कल का एरिया नए सर्कल के एरिया के बराबर है यानी इनकी जगह पाईआर स्क्वायर पाईआर वन प्लस पाईआर स्क्वायर टू लग जाएगा बस है ना करके दिखाओ जरा सेकंड क्वेश्चन कितना आ रहा है हिंट दे देता हूं बस सेकंड क्वेश्चन का क्या कि पहले वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है एट सेंटीमीटर दूसरे की और इस बार क्या बोल रखा है कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल जरा कर देना इसको आप सॉल्व मैं नहीं बताऊंगा आप दिख दिया सामने करके दिखाओ कितना आ रहा है नए सर्कल की रेडियस मान लो आर एंड लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल भी कैपिटल लिख दिया मैंने ठीक है जी करके दिखाओ कितना आ रहा है जरा बताना जरा मुझे आधी देखो ध्यान से पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर ठीक है पाई आर स्क्वायर पहले इजी बना लिया करो पाई कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा आर वन का स्क्वायर प्लस पाई से पाई तो आर का स्क्वायर बराबर आ गया आर वन यानी एट का स्क्वायर आर टू की सिक्स सिक्स का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर हो गया हंड्रेड और आर कितना आ गया है यहां से अंडर उठ हंड्रेड

नहीं बस नेट वेट से मत देखना कहीं गूगल वूगल से मत देखना यूट्यूब वगैरह से मत देखना अपने आप करना नहीं होता है मैं कल कर डिस्कस करूंगा। और देखो एक एक्सरसाइज खत्म भी हो गई है ना अब बात करते हैं सहज फोर्थ क्वेश्चन की देखिए समझेंगे फोर्थ क्वेश्चन भी आप ही करके दिखाएंगे देख लो कितनी बड़ी एप्लीकेशन है द व्हील्स ऑफ अ कार आर 80 सेंटीमीटर भैया एक टायर है उसका जो डायमीटर दे रखा है ना वो 80 सेंटीमीटर है तो डायामीटर ऑफ द कार इज सॉरी टायर इज़ 80 सेंटीमीटर व्हील का हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन ईच व्हील टेक इन 10 मिनट्स टाइम दे दिया 10 मिनट्स आपसे क्या फाइंड किया है एन एन मतलब कि 10 मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछा गया है और अगर उसकी स्पीड कितनी दे दी किलोमीटर पर देखो ध्यान से देखना मेरी बात ठीक है सबसे पहले तो ये निकाल लो कि वो दस मिनट में ऐसे समझो पहले तो ये निकाल लो कि टायर दस मिनट में कितना डिस्टेंस चलता है ठीक है टायर क्योंकि भैया स्पीड इतनी है टाइम दे दिया तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा 10 मिनट में टायर कितनी दूर गया कितना क्योंकि उसका एक चक्कर तब माना जाएगा जब उसका एक सरकमफ्रेंस पूरा हो जाएगा घूम फिर जब वापिस ऐसे हो जाएगा तब जाके उसका एक चक्कर होगा ना तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो निकाल लीजिए डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर्ड बाय द टायर है ना टोटल डिस्टेंस कितना आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा सॉरी स्पीड अपॉन टाइम 66 किलोमीटर है ना हाँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम 66 किलोमीटर है ना है है ना ना को आर में चेंज कर लो तो 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 ये कितना कितना जीरो जीरो तो कितना आ आ गया? गया? और से टायर ने चला अब उसका एक लेंथ उसका एक चक्कर कब माना जाएगा जब उसका सरकम जितना वो लेंथ कवर कर लेगा भाई मान लो सरकम टायर की यहां से लेके यहां तक लेंथ है सो मीटर मान लो बहुत ज्यादा बोल दिया दस मीटर दस सेंटीमीटर है ना तो हम क्या करेंगे जाएगा जब वो टायर 10 दूर चला जाएगा? टायर तो दस सेंटीमीटर दूर जब चला जाएगा तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा और उस टोटल डिस्टेंस को दस से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टायर अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील निकाल दो जरा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन पहले से चेंज भी तो करेंगे हाँ अब वो अभी करेंगे बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू

इक्वल टू इलेवन किलोमीटर मतलब इलेवन थाउजेंड मीटर और एक मीटर में सो सेंट तो आ गया, ये आ गए इतने सेंटीमीटर भैया एक किलोमीटर में सुन लीजिए एक किलोमीटर में वन लैख सेंटीमीटर होते हैं तो इलेवन किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे इलेवन लैख डिवाइडेड बाय निकाल दो टू पाई आर कैसे निकालेंगे देखो सरकम देखो टू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें आपको ट्वेंटी इन टू आर कितना दे रखा है तो फोर्टी तो बस रख देना वैल्यू यहां रख दो इंटू फोर्टी किलोमीटर को मीटर में करेगा फिर उसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है ना ये तो वन किलोमीटर में थाउजेंड और वन मीटर में हंड्रेड तो हुए ना वन लेक हो गया ना अब इसको सॉल्व कर दो जरा बता दो कितना आ रहा है एक जीरो से एक जीरो गई ठीक है अब देखना ध्यान से देखना कंफ्यूज मत हो ना वन एक दो एक दो तीन चार टू जा ठीक है मुझे टू टू ट्वेंटी पर फिर क्या जाएगा फाइव थाउजेंड क्या बचा ये फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू इंटू वन अपॉन सेवन इंटू फोर ठीक है सेवन ऊपर पहुंच जाएगा थ्री फाइव जीरो 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 अपॉन एट जरा बता दो कितना आ रहा है एट फोर जा थर्टी टू थ्री कैरी एट थ्री जा ट्वेंटी फोर सिक्स कैरी एट सेवन जा एट एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स फोर फोर थ्री सेवन फाइव राउंड मैं रिपीट कर रहा हूँ हमने इसमें क्या करा जी जिसको नहीं आया समझ लो भैया दोबारा करना इस क्वेश्चन को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है बहुत इजीली तरीके से समझा दिए हैं सारे क्वेश्चन समझेंगे मेरी बात ध्यान से क्वेश्चन करा है कि डायामीटर ये तो आपने एट क्लास में भी कराता था ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ठीक है जिसमें उसमें एक ड्रम था उसमें टायर नो के ड्रम था कि ड्रम घूम रहा है ए, रोलर रोलर था रोलर रोलर था रोलर क्वेश्चन नहीं था रोलर था जो उसके उसके नीचे लगा रहता, रोल 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 रहता है जेसीबी के नीचे रोल रोलर था ना याद है और सेम था और क्वेश्चन तो भैया इसमें टायर दे दिया

तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को उसके सरकम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भैया की लंबाई है एक चक्कर तो की लंबाई क्या होगी इसका सरकमफ्रेंस तो टोटल ग्यारह किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे उसका सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो डिवाइड करके कितना आ गया फोर थ्री सेवन फाइव रिवॉल्यूशन ठीक है क्लियर है अब नहीं क्लियर है बेटा Yes, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो उसको एंड करते हैं बस कितनी मिनट बची नहीं, नहीं हो पाएगा लास्ट क्वेश्चन सॉरी टाइम एक मिनट से बेटा ये क्वेश्चन दोबारा करना है होमवर्क सुन लो मुझे आ जाना चाहिए मेरे पास सभी का डू एग्जाम्पल वन एंड क्वेश्चन वन टू फोर या सर एंड एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन जो नहीं आता कल डिस्कस कर लेंगे और मुझे आ जाना चाहिए होमवर्क ठीक है नोटबुक यह आपको करके मुझे सेंड करना है कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना स्टार्ट है, करेंगे हैंड टू ठीक है बढ़िया बढ़िया इसके तो पहला टॉपिक खत्म होता है मैंने आज आपको बताया पाई किसके बराबर होता है क्या होता है पाई किसी भी सर्कल के सर्कम्फ्रेंस को जब उसी के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हर सर्कल के अंदर चाहे बड़ा सर्कल हो या छोटा और वही कांस्टेंट वैल्यू को आज हम किस नाम से जानते हैं पाई के नाम से ठीक है और वहीं से सरकम्फ्रेंस का फॉर्मूला बना